क्या भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मीम कॉइन अर्ली फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे मीम कॉइन का पूरा सीजन चल रहा है, इसके ऊपर मैं एक दो वीडियो भी बना चुका हूँ। और अभी अभी मैंने एक कॉइन बाय किया था, स्पिरिट, आप यहाँ पे देख रहे हो। ये अभी देखो 64,000 मार्केट कैप पे, एक्चुअली ये 240,000 मार्केट कैप पे गया था और इसको मैंने बाय किया था अराउंड 20,000 मार्केट कैप के आसपास, राइट 20,000। तो ऑलरेडी मैंने कुछ रिटर्न लिया अराउंड 5x या 10x, बट साइज बहुत छोटा था, अमाउंट बहुत छोटा था, मतलब $5 या $10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 90% जो टोकन से 99% ये स्कैम करेंगे, और अगर आपने सही टाइम पे एंट्री नहीं लिया, एग्जिट नहीं लिया, तो आपका आप कमाने आए हो बट यहाँ पे सोल दे के चले जाओगे। तो यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी कुछ ट्रेड में ऐसा हुआ है, तो विनिंग रेशियो बहुत कम है और लूजिंग बहुत ज़्यादा है। बट एनीवे मैं ये आपको वीडियो बनाना चाहता था बिकॉज यू नो रीज़न इज कि यहाँ पे आप देखो, ये मैंने ट्वीट किया था, ये देखो ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, राइट, ये जो लेयर वन है या लेयर टू है, सब ऑल्ट कॉइन्स हैं। ये देखो ये पूरे के पूरे पूरे डाउन चल रहे हैं, एंड जो यहाँ पे सीजन चल रहा है मीम सीजन चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑफकोर्स ये सभी के लिए वीडियो नहीं है और यू नो सभी को पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिसर्च बहुत करना पड़ता है। बट अगर आप नहीं भी लेट से बाय सेल कर रहे हो तो भी ये समझ लोगे तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आगे आपको हेल्प करेगी। बाकी डिसीजन आपका है, आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। बट येस, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है pump.fun, ये जब लॉन्च हुआ आई थिंक ये कुछ मार्च या अप्रैल में लॉन्च हुआ, और तब से ये मीम कॉइन का सीज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो इसका एक मैं बोलूँगा डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा हाथ है ना। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो आपको जो मीम कॉइन है जो आपको अर्ली मिलना है, मतलब बहुत जल्दी आपको मिलना चाहिए, वो pump.fun पे ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मीम कॉइन 1 मिलियन टच कर रहे हैं, 5 मिलियन टच कर रहे हैं, 10 मिलियन टच कर रहे हैं, बट उनकी शुरुआत होती है pump.fun पे। तो अगर आपने यहाँ पे लेट्स से 10,000 मार्केट कैप पे, 15,000 मार्केट कैप पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपने कोई एक मीम कॉइन आपने 50,000 मार्केट कैप में ले लिया, राइट, तो अगर 500K टच करता है तो 10x हो जाता है, अगर 1 मिलियन टच करता है तो 20x हो जाता है, 5 मिलियन टच करता है जो बहुत ही नॉर्मल बात है मीम कॉइन में, 100x, आप समझ रहे हो, मतलब 50K से 5 मिलियन 100x हो गया। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 100 कॉइन में से मे बी लेट्स से 1,000 कॉइन में से मे बी 5 कॉइन या 10 कॉइन वहां तक पहुंचते हैं, बाकी उसके पहले रग हो जाते हैं। तो बेसिकली pump.fun क्या है, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, राइट, जैसे यहाँ पे मैंने देखो वॉलेट कनेक्ट कर लिया अपना फैंटम वॉलेट, राइट, डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, आपको फिर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एंड आप इसको भी इसके साथ खेलना, बेसिकली यहाँ पे कोई भी टोकन क्रिएट कर सकते हो, तो आप भी वहाँ पे जाके टोकन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया, और क्या करना है यहाँ पे, स्टार्ट अ न्यू कॉइन करोगे, ठीक है, स्टार्ट अ न्यू कॉइन किया अपने, और आपने टाइप किया लेट्स से माय मीम, ओके, बुल टोकन, राइट, सो नेम आपने डाल दिया, टिकर टिकर यहाँ पे बुल, और कुछ नेम डाल दिया बुल रन, राइट, और कुछ आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, चूज अ फाइल, एक आपने पिक्चर अपलोड किया और क्रिएट कॉइन, ये कॉइन क्रिएट हो जाएगा। आपका इसमें एक रुपया भी नहीं लग रहा है। एक्चुअली पिछले हफ्ते तक यहाँ पे अगर किसी को कॉइन क्रिएट करना था तो उसको 0.02 लगता था सोलाना, राइट, बट अब वो भी नहीं लग रहा है, वो भी अब फ्री है। एंड अगर आपका कॉइन लोग बाय करने लगते हैं, सेल करने लगते हैं, और बेसिकली ये कॉइन आपका एक सर्टन मार्केट कैप जाता है, मतलब 60-70,000, तो आपको 0.5 सोल भी मिलता है एज अ रिवॉर्ड। नाउ इसका pump.fun का जो सबसे बड़ा जो रोल है, क्यों मैं बोलता हूँ कि इसकी वजह से ये मीम कॉइन सीजन चल रहा है, बिकॉज जो मीम कॉइन्स के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले वो था लिक्विडिटी पूल का। तो बहुत जो डेवलपर्स रख कर दे, मतलब जब भी आप कोई मीम कॉइन क्रिएट करते हो तो आप मीम कॉइन और सोलाना दोनों एक पूल में डालना पड़ता है, जो रेडियम पूल होता था, राइट, और वहाँ पे क्या होता था कि जो डेवलपर होता था एक अच्छा खासा सोल अमाउंट होने के बाद पूल में, वो डेवलपर पूरा सोलाना लेके चला जाता था और यहाँ पे सिर्फ मीम कॉइन पड़ा जाता था, इसको बोलते थे रग।
तो मतलब लोगों ने जो बाय किया है उसको वो लोग सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूल में सोलाना बचा ही नहीं है, डेवलपर लेके भाग गया। तो ये जो प्रॉब्लम है रक का, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ये पम डॉट फंड ने। कैसे? पम डॉट फंड ने बोला कि जो भी नया कॉइन क्रिएट होगा वो पम डॉट फंड पे क्रिएट होगा और यहाँ पे लोग बाय एंड सेल करेंगे, ओके। और उसके बाद एक 60,000 की जब लिक्विडिटी पहुंच जाएगी तब ये हम लोग रेडियम पे डालेंगे। तो इससे एक फायदा ये हो गया कि चलो कोई डेवलपर, अभी डेवलपर के अगर कॉइन पंप पे निकला हुआ है तो कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लोगे और उसके लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे पंप लिखा रहेगा, वो पंप स्पिरिट टोकन जो पंप, मतलब ये पंप डॉट फंड पे था। तो कहने का मतलब यहाँ पे डेवलपर रग नहीं कर सकता, मतलब लिक्विडिटी लेके भाग नहीं सकता। तो आप देख रहे हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दिया कि भाई अब लिक्विडिटी लेके भाग नहीं सकते हो आप। इसीलिए यहाँ पे लोग क्रिएट क्वाइन करने लगे और यहाँ पे लोग बाइंग और सेलिंग करने लगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विडिटी लेके नहीं भागेगा तो खतरा नहीं है, खतरा अभी भी है। खतरा क्या है अभी? अब जिन्होंने पहले टोकन बाय कर लिया, जैसे ही टोकन लॉन्च हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है, बट जैसे ही टोकन लॉन्च हुआ जिसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया, अगर उसने सेल कर दिया पूरा तो मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, प्राइस क्रैश हो जाएगा। तो यही एक्चुअली हो रहा है, राइट? पम डॉट फंड पे बहुत सारे जो टोकन्स क्रिएट होते हैं वो होता क्या है कि वो जिन्होंने भी अर्ली बायर है उन्होंने सेल करके चले जाते हैं और जो लेट बाय करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उनका लॉस होता है। नाउ ये देखोगे तो पम डॉट फंड ये काफ़ी मतलब हतरंगी प्लेटफॉर्म है। आप देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, ये सब मीम कॉइन है, यहाँ पे मार्केट का पता नहीं। तो अगर आपको इसका सही पिक्चर जानना है तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बुलिक्स। बुलिक्स क्या करता है, जितने भी पम्प डॉट फंड पे टोकन्स हैं उनको एक देखो पम्प विजन पे क्लिक करोगे। बाय द वे बुलिक्स इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो, भले ट्रेडिंग करना कि नहीं बट चेकआउट करना है तो अपना टेलीग्राम कनेक्ट करो और यहाँ पे ऐसे कुछ खुल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है पंप विजन बुलेक्स पे, राइट? और जैसे ही आप साइन अप करोगे और यहाँ पे आओगे और पंप विजन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी दिखाएगा, न्यू क्रिएशन, अबाउट टू ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएटेड। तो इन्होंने क्या किया, सेग्रेगेट किया कैटेगरी वाइज। न्यू क्रिएशन मतलब जो लोग नया टोकन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्रॉक आ गया, ओ आ गया, राइट? और अबाउट टू ग्रेजुएट मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एक सर्टेन लिमिट होती है, अराउंड 60,000 मार्केट कैप हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कितना, देखो 31,000 मार्केट कैप पहुंचा, राइट? तो एक सर्टन मार्केट कैप के बाद, लिक्विडिटी के बाद ये रेडियम पे जाएगा, ओके। और आपको पता होगा कि रेडियम क्या होता है, यहाँ पे देखो रेडियम जहाँ पे जुपिटर पे ट्रेड कर सकते हो, राइट? बट उसके पहले आप जुपिटर पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, उसके पहले आपको पंप पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बुलिक्स ने ये सॉल्व कर दिया कि भाई यहाँ पे आप इजिली सारे टोकन्स कैटेगराइज कर सकते हो। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सो फिर मैंने एक स्पिरिट का एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने एक्चुअली अभी बाय किया था थोड़ी देर पहले। तो इसको मैं इसका कॉन्ट्रैक्टर्स लेता हूँ और यहाँ पे पेश करता हूँ, यहाँ पे स्पिरिट खुल गया। अब हुआ क्या, ये मैंने यहाँ पे इसमें एक्चुअली, तो ये जो मैंने बाइंग किया स्पिरिट का, ये मैंने पंप फंड से किया। तो बाय द वे पंप फंड पे ही आप टोकन बाय कर सकते हो। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालता हूँ स्पिरिट का, तो यहाँ पे स्पिरिट आ गया, देखो स्पिरिट आ गया। और यहाँ पे देखो ये बाय एंड सेल का ऑप्शन है, ट्रेड, ये देखो बाय एंड सेल। ना अब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इसका 60,000 के ऊपर लिक्विडिटी पहुँच गया है और अब ये डेक्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अब ये रेडियम पे है, तो अभी ये पम डॉट फंड पे नहीं होगा। बट यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन है, जैसे ही टोकन लॉन्च होता है आप पम डॉट फंड पे भी बाय सेल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे बुलेक्स पे आके भी यहाँ पे बाय और सेल करते हो। तो इस टोकन को मैंने, जैसे मैंने बताया ये टोकन को मैंने बाय किया था कुछ 20,000 के आसपास मार्केट कैप में, और इसको मैंने सेल कर दिया कुछ अराउंड 110 के आसपास मैंने सेल कर दिया। तो ये देखो मैंने, देखो इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप लेट से मैंने अगर 20,000 मतलब यहाँ पे बाय कर लिया, राइट? और मैं अगर लेट से 100 या 200 पे सेल नहीं किया तो वापस देखो मैं वापस वहीं पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था,
60 पे आ गया, मतलब मेरा प्रॉफिट सब। कहने का मतलब है कि अगर आप मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्क्रीन के साथ पूरा जुड़ा होना पड़ता है, आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है, क्योंकि एवरी सेकेंड में चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्पिरिट का एग्जांपल देखो, तो स्पिरिट ऑलरेडी ये जो पम्प डॉट फंड पे लॉन्च हुआ था, नाउ अब वो रेडियम पे चला गया, स्वाप पे चला गया। तो ऐसे ही बहुत सारे टोकन्स हैं। पम्प डॉट विजन पे क्लिक करते हो तो देखो ये जो ये वाला है, जो न्यू क्रिएशन है। सो फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ ओ वाला टोकन, राइट। ओ अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे साइन है, ये मतलब ये डेवलपर है, डेवलपर 26% होल्ड कर रहा है, मतलब जिसने टोकन क्रिएट किया है उसने खुद ही टोकन बाय कर लिया 26%। ये बहुत ज़्यादा है, डेवलपर के पास एटलीस्ट 10% मैक्स है तो ठीक है, बट 26% बहुत ज़्यादा है, मतलब ये डंप कर सकता है। बट इसमें और भी है, मतलब यहाँ पे एक वॉलेट में इसने 26% डाला है, हो सकता है इसके पास और भी वॉलेट हो जिससे उसने और भी खरीदा है। तो ये पूरा गेम है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इसमें यहाँ पे आप क्या देख सकते हो। तो समझ लो ये टोकन क्रिएट हुआ है डॉग, राइट। सो ये 2 घंटे पहले क्रिएट हुआ है, डेवलपर के पास 26% है, राइट। सॉरी ये इनसाइडर होल्डर्स हैं, ये इनसाइडर होल्डर्स हैं, राइट। डेवलपर ये वाला ग्रीन वाला है, डेवलपर होल्ड 2%, सो मतलब गुड। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा ये टोकन्स को जो है यहाँ पे चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे ऊपर दिखाता है कि मार्केट कैप क्या है 14,000 फिलहाल, और लिक्विडिटी क्या है 16,000, बॉन्डिंग का 60% हो गया है। जहाँ जैसे ये 100% बॉन्डिंग का हो जाएगा वैसे ही ये टोकन माइग्रेट होगा रेडियम पे, और यहाँ पे मार्केट कैप 100 की भी जा सकती है, 500 की भी जा सकती है, 1 मिलियन भी जा सकती है, या फिर काफ़ी लोग मैंने जो देखा जैसे ये डेस्क क्लियर हिट करता है, मतलब यहाँ पे रेडियम पे जाता है, वैसे काफ़ी लोग उसको डंप करने लगते हैं। तो एक तरीका और भी है, तो बहुत सारे कॉइन यहाँ पे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका मिशन ही नहीं है कि उनको डेक्स पे जाना है, राइट। उनको उनका है कि बस मेरे को कुछ 2x 3x करना है और निकल जाना है। तो एक तरीका और भी है कि यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉक का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है डेक्स पेड, ओके, चेक डेक्स। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होंगे जो सीरियस प्रोजेक्ट है वो लोग अपना जेक डेक्स पेड के लिए पे करते हैं, जिसका बाय द वे कॉस्ट लगती है, तो $299 लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे चेक डेक्स में, तो यहाँ पे डेक्स इज नॉट पेड फॉर क्रॉक, मतलब ये डेवलपर ने पेड नहीं किया, मतलब इसका इंटेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हन ये शायद आपको यहीं पे ही रख कर दे, मतलब इसका इंटेंशन ही नहीं है कि ये डेस्क स्क्रीनर पे जाए, राइट। तो एक ये भी तरीका है कि आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाओ और यहाँ पे पेस्ट करो और फाइंड आउट करो कि इसने पेड किया गया, मतलब अगर पेड किया मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस है, गारंटी नहीं कि जाएगा, मतलब 60,000 के ऊपर जाएगा वो, एंड डेक्सिमेट पे जाएगा, रेडियम पे जाएगा और 1 मिलियन तक टच करेगा, बट एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा है बंदा, एटलीस्ट उसके इंटेंशन में है कि हाँ भाई मेरे को करना है। तो एक ये तरीका है फाइंड आउट करने का कि टोकन में बाय करना चाहिए कि नहीं ट्रेड करने के लिए, बिकॉज उसने डेक्स स्क्रीन पेड किया है कि नहीं। दूसरा उनका एक्स प्रोफाइल, तो यहाँ पे देखो उनका एक्स ट्विटर पे है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल देखो इसका ट्विटर, इसका एक्चुअली नो, इसका ट्विटर नहीं, देखो कुछ अलग ही लिंक डाला है इसने यहाँ पे, ट्विटर की जगह पे कुछ अलग ही लिंक डाला है इसने यहाँ पे। इसका वेबसाइट देखते हैं, देखो वेबसाइट भी नहीं है, देखो देखो कुछ अलग ही लिंक डाला, मतलब ये जो ये टोकन है ये 100% ये आप सबको बेवकूफ़ बना रहा है, ना तो इसने ट्विटर डाला है ना तो वेबसाइट डाला है। टेलीग्राम पे देखते हैं क्या है, टेलीग्राम पे भी नहीं है, राइट। सो अपना अपना खुद लिंक डाला है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करो कोई टोकन सीरियस है या ये लोग सिर्फ रख करने के लिए आए हैं। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पे अगेन या न्यू क्रिएशंस अबाउट टू ग्रेजुएट ग्रेजुएट, और जो भी जो दूसरा, सो फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला सेक्शन लेते हैं अबाउट टू ग्रेजुएट, मतलब ये बहुत ही जल्दी रेडियम पे जा सकते हैं, मतलब ये लोग काफ़ी टाइम से हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे हो गए इस टोकन को, लेग टोकन है, इसकी लिक्विडिटी 23,000 है, 82% हो गया है, मतलब 100% के बाद ये टच करेगा रेडियम पे। तो आप बोलोगे यार मतलब 82% है, मतलब ये तो शायद 100% हो जाएगा और ये ऊपर ही जाएगा, बट ऐसा है नहीं। होता क्या है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम दिखा रहा है, यहाँ पे 5 मिनट देखोगे तो यहाँ पे 66 लोगों ने बाय किया है, 67 लोगों ने सेल किया है,
112 जो है यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिखा नहीं रखा, 289 डॉलर की बाइंग हुई है, राइट, पिछले 1 घंटे में 2000 डॉलर की बाइंग हुई है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो ये देखना बहुत मुश्किल है कि भाई ये लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि कितना घंटा आप वेट करोगे, आपने 10-20 डॉलर डाल भी दिया तो आप कितने घंटे वेट करोगे, तो 8 घंटे हो गए अभी तक इसका बॉन्डिंग पूरा नहीं हुआ, तो आपको कोई भी टोकन बाय करने के पहले आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ता है कि भाई लोग बाय सेल कर रहे हैं कि नहीं, राइट, और दूसरा ऑफ कोर्स उसका ट्विटर अकाउंट है कि नहीं, लोग उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, उसका टेलीग्राम ग्रुप है कि नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में कोई बात कर रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें अगर आप उस, अगर टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं, अगर उसके एक ट्वीट पे बहुत अपडेट आ रही है ट्विटर पे, राइट, और यहाँ पे लोग बाय सेल कर रहे हैं, लेट से कोई जो टोकन है यहाँ पे देखो इस तरह से, सो फॉर एग्जाम्पल ऊपर गया नीचे आ गया, ये तो 26, फिर से यहाँ पे 30, राइट, तो अगर इस तरह से चार्ट दिख रहा है जहाँ पे टोकन नीचे जाके भी फिर से पिकअप किया है, मतलब उसका साइन हो सकता है, नाउ ये टोकन एक्चुअली देखा जाए तो सही दिख रहा है, बट अगेन इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे हो गए हैं इसको, 8 घंटे हो गए हैं, राइट, तो ये जा भी सकता है रेडियम पे या अब नहीं जा सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट से बाय करता हूँ 28,000 पे और ये रेडियम पे जाता है तो मतलब 60,000 के बाद ही जाएगा, तो मेरा ऑलरेडी 2x हो जाता है, और अगर इसका डेव सही है तो ये 1 मिलियन तक भी टच कर सकता है, बट यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको बाय नहीं करूँगा, और इसका अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेके इसका यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसने डेस्क पेड किया है क्या, तो यहाँ पे भी मालूम पड़ेगा मुझे कि या देखो डेस्क इसने पेड किया है, आप देख रहे हो डेस्क इज पेड, मतलब इसका इंटेंशन एटलीस्ट है कि मुझे डेस्क स्क्रीनर पे जाना है, तो आई डोंट नो, आई मीन इसको मैं वॉच लिस्ट में डाल सकता हूँ और देखता हूँ कि बाद में चेक करूंगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ, बट यस गाइस, सो बेसिकली मैं वीडियो बनाना चाहता था ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकूं कि ये पम डॉट फन क्या है, जिसकी वजह से ये पूरा मीम सीजन चालू हुआ है, बिकॉज इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं की थी, जो रग पुल की थी, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल में इसने पम डॉट फन क्रिएट किया जहाँ पे रग करना इम्पॉसिबल है, बट यस अगर जिन जो भी बंदा है, जो भी अगर जो लार्ज टोकन होल्डर्स हैं वो डंप कर सकते हैं, जिन्होंने भी लार्ज टोकन उन्होंने बाय किया है वो लोग आपके ऊपर डंप कर सकते हैं और प्राइस क्रैश करेंगे, फिर आपके पास आपका लॉस हो जाएगा अगर आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर आप पम डॉट फन पे जा रहे हो तो आपको अपनी टाइम एंट्री एंट्री ऑन एग्जिट बहुत टाइम करनी पड़ती है, सोशल चेक करो, टेलीग्राम ट्विटर, जेन्युइन टीम है तो ही जाओ, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा, यहाँ पे यू नो लूजिंग मनी इज़ वेरी इजी, मैंने आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक्चुअली ट्रेड दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे कितने सारे मैंने ट्रेड एक्चुअली, देखो पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, देखो तो ये देखो जिनन करके, राइट, मेरे को यहाँ पे 100% का प्रॉफिट, बट साइज देखो साइज बहुत ही छोटा है, $10 $20 $5, प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे ज़्यादा पैसे लेके जाओगे तो सारे के सारे का बात हो गए, तो यहाँ पे साइज आपको बहुत ही छोटा रखना है, और इनिशियली जब आप सीख रहे हो तब तो बड़ी साइज लेके जा ही नहीं सकते, देखो मेरे को 100% यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, यहाँ पे 200% मिला है, यहाँ पे 400% मिला है विज में, राइट, बट साइज देखो बहुत ही कम, $14, यहाँ पे देखो 100% मिला है, यहाँ पे 42% मिला है, बट एट द सेम टाइम ये देखो लॉसेस भी बहुत सारे, यहाँ पे लॉसेस भी मिले 49%, बहुत सारे तो 100% लग हो चुके हैं देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली मैं पम डॉट फन, मतलब आपको पता है ये मीम सीजन है तो मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ बाय द वे, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप भी सीख रहे हो या फिर आप ट्रेड कर रहे हो, बट मैं चाहूँगा डेफिनेटली एक बार पम डॉट फन पे जाओ, आपको पता चलेगा कितना आसान है यहाँ पे मीम कॉइन क्रिएट करना, एंड या एक्सप्लोर करो, और इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरह से कॉइन आपको बेसिकली कैटेगराइज करना है, तीन पम्प तीन यहाँ पे पम्प फ्यूजन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन कैटेगरी दिखाएगी, तो उसके साथ आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से यहाँ पे मीम कॉइन में लोग खेल रहे हैं, ये कितना खतरों का खिलाड़ी है, पर एट द सेम टाइम अगर आपको एक दो सही कॉइन लग भी गया ना तो मतलब बहुत ईजिली यहाँ पे 10x 50x 100x हो सकता है, अभी तक मैंने 100x
प्रॉब्लम ये भी है ना कि मतलब 100x आप होल्ड भी करोगे क्या? मतलब ये तो कैन वी रियली होल्ड अंटिल 100x? बिकॉज आपको नहीं पता कि ये कॉइन कब डंप हो जाएगा. तो मेरा मेरा आई थिंक सजेशन ये है कि जब भी कॉइन आपको प्रॉफिटेबल लगे, 2x हो गया, 5x हो गया, 10x हो गया, तो उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लो, थोड़ा सा कॉइन रहने दो. अब ये स्पिरिट जो है, स्पिरिट मैंने एक्चुअली आई थिंक 10x पे बुक किया था, बट ये एक्चुअली और भी ऊपर गया था, राइट? सो मैंने 100K पे एक्चुअली बेच दिया था, ये 200K पे गया था, बट देखो यहाँ पे डाउन भी गया. तो यस, तो ये अगर कॉइन 100x होता भी है तो उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल है. तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और मे बी छोटा सा बैग आपको छोड़ देना चाहिए ताकि अगर लंबा जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सके. एनी वे गाइस, इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करना. बाकी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आप मीम कॉइन एंजॉय कर रहे हो, और क्रिप्टो में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आई मीन कुछ ऑल्ट कॉइन ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, या फिर एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.